तबाही, कुदरत का कहर और बाढ़ की विनाश लीला। वायनाड की ऊंचाई पर स्थित गांव में भूस्खलन के बाद के दृश्य इतने भयावह हैं कि दिल दहल जाएगा। एक दिन पहले तक अपने मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा गांव अब भूस्खलन की चपेट में आकर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इन गांवों का अन्य हिस्सों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। भूस्खलन के कारण मकान जमींदोज हो गए हैं। उफनती नदियां अपने मार्ग से भटक कर रिहायशी इलाके में बह रही है, जिससे और भी विनाश हो रहा है। बाढ़ के पानी में बहे वाहन पेड़ों की टहनियों में फंसे हुए हैं या यहाँ वहाँ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोग जो कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे, आज बेघर हो चुके हैं। गांव के लोग अपने बर्बाद घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। उखड़ते हुए पेड़ और उफनती नदियाँ इन गांव की नई पहचान बन गई है। मंगलवार के तड़के तकरीबन 2 से 4 बजे ये हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से करीबन 151 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आर्मी की देखरेख में बचाव अभियान तेजी से हो रहा है, साथ ही रेस्क्यू टीम लगातार बचाव अभियान में लगी हुई है। आपको बता दें कि वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और NDRF के जवान देवदूत बने हैं और लगातार मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वायनाड में 45 शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 3,600 पीड़ितों को रखा गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनमें NDRF के साथ सेना को भी लगाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आए केरल के वायनाड जिले और पड़ोसी मल्लपुरम, कोझिकोड और कुन्नूर जिले के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने वायनाड समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट, जबकि तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के सभी अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट यानी 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक की भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को दर्शाता है। वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की बहुत भारी बारिश होता है। येलो अलर्ट का मतलब है 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच बहुत भारी बारिश होना। इस भयानक घटना ने न केवल लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया है। हमें मिलकर इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनना होगा और जल्द से जल्द पुनर्वास के प्रयास करने होंगे। लोकल 18 की रिपोर्ट।